नागपूरच्या ऑटोमोटिव्ह चौकातील पार्किंग प्लाझामध्ये गुटख्याने भरलेले वाहन असल्याची गुप्त माहिती यशोधरा नगर पोलिसांना मिळाली होती. मिळालेल्या गुप्त माहितीच्या आधारे यशोधरा नगर पोलिसांनी वाहन व चालकाला ताब्यात घेतले आहे. 3 लाखांचा गुटखा आणि वाहन असे एकूण 13 लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. आरोपी विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास पोलीस करत आहेत. हा गुटखा मध्य प्रदेशातून आणल्याचे सांगण्यात येत आहे. कल रात को हमारे डीबी पतप को जानकारी मिली थी कि एक महिंद्रा बोलेरो पिकअप गाड़ी ऑटोमेटिव स्क्वेयर के जो पार्किंग प्लाजा है वहाँ पे है और वो गाड़ी में प्रतिबंधित गुटखा है. इस जानकारी आधार पे हमारे PSI भालेराव श्याम कड़ू और PSI काड़िंगे और जो टीम है नारायण, इन्होंने छापा मार के वहाँ पे वो गाड़ी को पकड़ लिया गया. गाड़ी में बड़े पैमाने में प्रतिबंधित गुटखा मिला है. जो गाड़ी में लड़का मिला था जो ड्राइवर करके, उस लड़के का नाम है अरविंद दशरथ पंचतिलक. ये रहने वाला नागार्जुन कॉलोनी जरीपटका का है. और ये गुटखा कहाँ से लाया है, किसको बेचने वाला है, इसके लिए जानकारी हम ले रहे हैं. कुल मिला के अंदाजन गुटखा ये 3 लाख रुपए का है और गाड़ी 10 लाख रुपये के है सर. टोटल कुल मिला के 13 लाख का माल हमने जब्त किया है. फूड एंड ड्रग्स को हमने जानकारी दी है. फूड एंड ड्रग्स वाले आएंगे तो आगे की कार्रवाई FIR रजिस्टर करके आगे की प्रक्रिया कर लेंगे. प्राइमरी जानकारी ऐसी प्राप्त हुई कि ये गुटखा मंडला MP से आया है, ऐसी जानकारी मिली है. तो भी आगे के FIR रजिस्टर होने के बाद में जो भी जानकारी ली जाएगी और उसका PCR लेने के बाद में आगे के पूरी जानकारी मिल जाएगी.